हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 वेक्टर कैलकुलस का। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक वक्र एक्स वाई जेड अपने को वैल्यू दे रखी है, उसका टी इजकल टू 0 और टी इजकल टू पाई बाई 2 पे वेग और त्वरण ज्ञात करना है। तो वेग यानी वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, डी आर बाई डी टी, पहले इसको आर की फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर की, क्या होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, एक्स वाई और जेड, इसके साथ आई जे के लगाएंगे तो ये आ जाएगा आर वेक्टर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, 4 कोस टी का होता है क्या माइनस 4 साइन टी, 4 साइन टी का 4 कोस टी और 6 टी का 6। अब t इजकल टू 0 पर और t इजकल टू पाई बाई 2 पर वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा 4 जे कैप प्लस 6 के कैप और 4 आई कैप और 6 के कैप, ये तो आगे दो वैल्यू। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका 4 साइन टी का 4 कोस टी, 4 कोस टी का माइनस 4 साइन टी और कॉन्स्टेंट का 0। अब वापस t 0 रखेंगे और t पाई बाई 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को वेलोसिटी और त्वरण की मतलब एक्सीलरेशन निकालना है तो इसका मोड ज्ञात कर लीजिए, पहले इन दोनों का मोड निकालेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी और इन दोनों का मोड निकालेंगे तो त्वरण आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी सी यदि अचर है तो सिद्ध करो ये इसका जो त्वरण है आर का ये अचर होगा इसका। तो अपने एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा 2a t प्लस बी, ठीक है, दोबारा करेंगे तो ये आएगा 2a, तो मतलब ये कांस्टेंट है और ये इसका त्वरण है तो त्वरण एक अचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम 11 नंबर क्वेश्चन की जगह है, x दे रखा है, y दे रखा है, जेड दे रखा है, तो t बराबर 1 पर उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करना है, त्वरण फाइंड करना है, तो पहले इसको r की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3t स्क्वायर का 6t, टी स्क्वायर का 2t, 2t का 2, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद t की वैल्यू 1 रखेंगे तो जहाँ t है वहाँ 1 रख दो, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो 6 आई कैप, 2 1 जा 2 में से 2 गया 0 और 3 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 के कैप, तो ये आ गई वेलोसिटी। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे 60 का 6, 2t का 2, 3t स्क्वायर का 60 और t की जगह क्या रखेंगे 1, ओनली यहाँ 1 रखेंगे, बाकी जगह सेम का सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ही क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड दे रखा है बट इसकी दिशा में वेग और त्वरण के घटक निकालने, तो आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है, आर दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, टी इजकल टू 1 रख दीजिए और दोबारा डिफरेंशिएशन करना है और टी इजकल टू 1 रखना है। अब इसकी दिशा में निकालना है तो ये इसका ए कैप निकालना पड़ेगा, ए कैप निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मोड, तो ये वेक्टर दे रखा है तो इसके मोड का डिवाइड कर दिया, मोड यानी आई कैप के कोफिशियंट का स्केयर, जे कैप के कोफिशियंट का स्केयर, के कैप के कोफिशियंट का स्केयर, तो ये आगे दिशा, इस दिशा को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस दिशा को त्वरण से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेग और त्वरण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को आर दे रखा है, वेग का परिमाण, स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण निकालना है, तो सबसे पहले एक बार डी आर बाई डी टी कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ए साइन टी, ए कोस टी और बी टी का बी, ठीक है, फिर इसका मोड निकालेंगे तो आई कैप के कोफिशियंट का स्केयर, जे कैप के कोफिशियंट का स्केयर, के कैप के कोफिशियंट का स्केयर, ये तो आ गया इसका वेग का परिमाण। अब अपने को निकालना स्पर्श रेखीय त्वरण, यानी इसका मोड का अगर दोबारा टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण, तो इसमें आपको पता है टी है ही नहीं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब
अभिलंबित त्वरण क्या होता है, डी आर बाय डी टी का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसको बोलते हैं अभिलंबित। ठीक है, तो ए साइन टी का हो जाएगा क्या, ए कोस टी, और ए कोस टी का माइनस ए साइन टी। अब इसका मोड निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा ए एक ए स्क्र कोस के टी, ए स्क्र साइन स्क्र टी, ए स्क्र कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्र प्लस कोस स्क्र वन होता है, तो ए स्क्र का रूट क्या हो जाएगा ए। थैंक यू।